हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर 11th वर्कआउट वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो थोड़ी सी डायनेमिक होने वाली है, तो आप लोगों को इसके लिए एक टाइमर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपना फोन आपके साथ रखिए, इस फोन के अंदर आप लोग टाइमर या फिर स्टॉप वॉच निकाल लीजिए। अब मैं आगे बताने वाला हूँ हम एक्सरसाइज को कैसे करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग फटाफट से जंपिंग जैक्स कर लीजिए। अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोस देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि जंपिंग जैक्स कैसे करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप देख लीजिए इसको जंपिंग जैक्स करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग फटाफट से पता जंपिंग जैक्स कर लीजिए। अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके लिए हमें टाइमर की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने साथ एक फ़ोन रख रहे हैं। मैं अपने साथ अपना एक फ़ोन रख रहा हूँ, आप लोग भी अपने साथ अपना एक फ़ोन रखिए। अब देखिए, सो मैं जो एक्सरसाइज करने वाला हूँ उसको हम मिक्स करने वाले हैं और हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा टाइम लिमिट बनाने वाले हैं। देखिए कैसे। सो मेरी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स इन्वॉल्व है। अगर आप लोगों को पता होगा तो हम लोग पुशअप्स ऐसे करते हैं, सिटअप्स ऐसे करते हैं और स्क्वाट्स ऐसे करते हैं। तो हम लोग इन तीनों एक्सरसाइज को मिक्स करने वाले हैं और इनके जो एक्सरसाइज के रिपीटेशंस हैं हम इनको आज काउंट नहीं करेंगे, आज हम लोग इसको टाइमर के साथ करेंगे। तो जैसे ही मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो मैं इसको सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को इसे कैसे करना है। देखिए, तो मैंने पुशअप किया, वन, मैं जल्दी से सेटअप पोजिशन में आया, टू, अब यहीं से मैं स्क्वाट पोजिशन में जाऊंगा, मैं जल्दी से खड़ा हो रहा हूँ स्क्वाट पोजिशन में। अब तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा। या तो आप स्क्वाट से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं। पहले मैं स्क्वाट से स्टार्ट करता हूं, वन स्क्वाट, नीचे सिट अप, पुशअप, फिर से खड़े हो गए आप लोग। अब पुशअप के साथ कैसे करना है, देखिए मैं नीचे गया, एक पुशअप, एक सिटअप, एक स्क्वाट। तो अब इस एक्सरसाइज को हम लोग मिक्स करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरे 20 मिनट के लिए करेंगे। तो जैसे ही मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं, मैं अपना टाइमर ऑन करूंगा और फटाफट से मैं एक्सरसाइज को शुरू करूंगा, वन, टू, थ्री, खड़ा हो गया, वन, टू, थ्री। तो जैसे ही आप लोग रुक जाते हैं, अगर आप लोग थक जाते हैं तो आपका टाइमर रोक देंगे। तो मैंने जितना भी रेस्ट लिया मैं रुका, मैंने थोड़ी सांसों को नॉर्मल किया, तो उसके बाद वापस टाइमर को स्टार्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे टाइमर रोका हुआ था, वापस मैंने अपना टाइमर शुरू किया और मैं वापस शुरू हो गया। सिट अप, पुश अप, स्क्वाट, ऐसे। सो ऐसे करके आप लोगों को इन एक्सरसाइजेस को पूरे 20 मिनट के लिए कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज को 20 मिनट्स के लिए करना है। आप लोगों को चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप लोग थकते हो तो आप इसको पॉज कर सकते हो, टाइमर पॉज करिए, आप लोग रेस्ट लीजिए, उसके बाद वापस शुरू करिए। लेकिन आप लोगों को पूरे 20 मिनट के लिए करना है। जितने कम से कम रेस्ट में आप लोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।